नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सिविल। इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ऑर्डिनरी क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी मतलब होता है कॉमन, नॉर्मल, साधारण। इसका मतलब क्या है, कॉमन, नॉर्मल, साधारण से मतलब इसका ना तो इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ना इसमें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ना ये हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ना ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है। इसका मतलब ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा सीमेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पोर्टलैंड का मतलब क्या है। आप लोगों को पता होगा सीमेंट से पहले हम लोग बुझा हुआ चूना यूज करते थे। सीमेंट से हमें इंट्रोड्यूस किसने कराया, सीमेंट से हमें 1824 में जोसेफ एस्पिटे ने इंट्रोड्यूस कराया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका नाम पोर्टलैंड कैसे पड़ा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोर्टलैंड क्या है। इंग्लैंड में एक जगह है जो पोर्टलैंड है, जहां पर एक स्टोन पाया जाता है जिससे इस सीमेंट को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। समझ में आ गया पोर्टलैंड कहां से आया। ओपीसी की मेकिंग के बारे में बात करें तो मेकिंग के ऊपर मैंने आपको 10 मिनट की ऑलरेडी एक वीडियो दे रखी है। बात करें ओपीसी की कॉम्पोजिशन के बारे में तो 95% क्लिंकर और 5% जिप्सम होता है। बॉक्स कंपाउंड की बात करें तो इसके पीछे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया कितना होता है ये मैंने आपको बता रखा है। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, जब हमारे पास क्लिंकर है तो उसी से हम सीमेंट क्यों नहीं बना सकते हैं। इंटरव्यूअर जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो आपको सिंपल इतना जवाब देना है कि जिप्सम को सीमेंट की सेटिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए मिलाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेड के बारे में। ओपीसी तीन ग्रेड के होते हैं, 33, 43, 53। ये सबको पता होगा। 33 क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है, ओपीसी के तीन ग्रेड होते हैं, लेकिन हमें तीन ग्रेड की जरूरत क्या है। हम ओपीसी 33 से ही सारे काम चला सकते हैं, या 43 से चला सकते हैं, या 53 से चला सकते हैं। 53 मार्केट में आया क्यों, इसके पीछे मैं आपको एक छोटी कहानी बताता हूं। 1973 तक ओनली 33 ग्रेड ही हमारे पास अवेलेबल था। इंडियन रेलवे ने हमें इंट्रोड्यूस कराया प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्लीपर के बारे में, जिसकी मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थी। बट ओपीसी में तो हमारे पास ओनली 33 ग्रेड ही अवेलेबल था, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थी। तो हुआ ये 1973 और 1975 के बीच में इंडियन रेलवे developed their own specified cement for sleeper, जिसकी minimum characteristic strength 52.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थी एट 28 डेज। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसे अचीव कैसे करते हैं, हाई ग्रेड सीमेंट को अचीव कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 33 था तो हमने 43, 53 कैसे बनाया। चार फैक्टर सीमेंट का ग्रेड बनाने में हमारे यूज होते हैं। पहला, हाई क्वालिटी लाइमस्टोन को यूज करना। दूसरा, बेटर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना। तीसरा, अच्छी क्वालिटी में पैकिंग करना। चौथा, फाइनर से फाइनर ग्राइंडिंग करना। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी एडवांटेजेस क्या है। दो इसकी एडवांटेजेस होते हैं। पहला, 10-20% सेविंग्स इन सीमेंट कंजप्शन। दूसरा, इट हैज अ फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो। पिछली वीडियो आप लोगों ने मेरी देख ली होगी, तो आगे आने वाली सारी वीडियोज आपको आसानी से समझ में आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।